जैसा कि इसे छोटे से चार्ट में आप देख सकते हैं, हमने एक यूनिट लेंथ ली। इसी यूनिट लेंथ को पहले दो बराबर भागों में बांटकर उन्हें एक बटा दो दर्शाया है। उसके बाद इसी यूनिट लेंथ को तीन बराबर भागों में बांटकर एक बटा तीन, दूसरे भाग को भी एक बटा तीन, तीसरे भाग को भी एक बटा तीन हमने इस प्रकार से दर्शाया है। उसके बाद इसी यूनिट लेंथ को हमने चार बराबर भागों में बांट के दर्शाया है, फिर पांच भागों में, फिर छह भागों में, फिर सात, फिर आठ, फिर नौ, फिर दस, फिर ग्यारह और फिर बारह। इस प्रकार से हमने एक ही यूनिट लेंथ को बराबर भागों में, पहले दो भागों में, फिर तीन भागों में, फिर चार, फिर पांच, फिर छह, फिर सात, फिर आठ, फिर नौ, फिर दस, फिर ग्यारह और फिर बराबर बारह बराबर भागों में बांट कर दिखाया है। इसे बच्चों को यह सीखने में बड़ी आसानी होगी कि एक ही यूनिट को जब दो भागों में बांटा जाए तो एक बटा दो कैसा होगा, और यदि उसी यूनिट को तीन बराबर भागों में बांटा जाए तो एक बटा तीन कैसा होगा। इससे बच्चे बड़ी अंदाज आसानी से ये देख सकते हैं कि एक बटा दो भाग और एक बटा तीन भाग में से कौन सा भाग बड़ा है और कौन सा भाग छोटा है। इसी के साथ हमने इन्हीं बराबर लंबाइयों को अलग से भी काट कर यहां पर रखा है। जैसा कि मान लीजिए मैंने एक भाग उठाया है एक बटा पांच और दूसरा भाग उठाया है एक बटा नौ। यदि हम इन पर्चियों को, इन भागों को आपस में सामने एक दूसरे के बराबर रखें तो हम देख सकते हैं कि एक बटा पांच भाग एक बटा नौ भाग के मुकाबले बड़ा है। तो इससे जो बच्चों में कंफ्यूजन रहती है कि एक बटा नौ बड़ा होगा क्योंकि उसमें नौ संख्या है, यह गलत धारणा ठीक हो जाती है। बच्चे इन्हें देखकर यह पता लगा सकते हैं कि एक बटा पांच भाग जो है वह एक बटा नौ भाग से बड़ा है। इसी प्रकार से यदि एक बटा नौ और एक बटा बारह, इन दो यूनिट्स को भी हम आपस में देखें तो आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि एक बटा नौ भाग जो है वो एक बटा बारह भाग से काफी बड़ा है। इस प्रकार से हम अलग अलग इकाइयों को आपस में एक दूसरे के बराबर रखकर उनके कंपैरिजन से भिन्नों के बारे में ज्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। और जब हम इस प्रकार से एक बटा छह और एक बटा सात की बात करें, चाहे इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है लेकिन हम बड़े ध्यान से अगर देखेंगे तो हमें यह दिखाई देगा कि जो एक बटा छह भाग है वो एक बटा सात से बड़ा है। इस तरह से हम फ्रैक्शंस को कंपैरिजन की मदद से बड़े आराम से, बड़ी आसानी से, सरलता से सीख सकते हैं।